जय श्री राम। आज अष्टावक्र सभागार में कुछ प्रतियोगिताएं चल रही हैं, जिनको देखने या करने हम सभी लोग वहाँ धीरे धीरे चल रहे हैं। पटेला संजय कुमार मेहता, हम सभी मित्र अष्टावक्र की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, धीरे धीरे वहाँ प्रवेश करने वाले हैं। अभी थोड़ी में यहाँ पर सभी मित्र उपस्थित हो जाए, दिव्यांगजन तो इसमें भी कुछ प्रतियोगिताओं की तैयारी में लगे हुए हैं। जैसे कैरम बोर्ड देखो आ गया है, ब्लाइंडो खेलने वाले चेस भी आ चुका है, हमारे पास कैरम बोर्ड आ चुका है और इसकी गोटियाँ भी आ चुकी हैं। अब देखो इसे कैसे खेलते हैं। यहाँ पर चार लोग इकट्ठा होकर ऐसे गाट मारेंगे, सीधा जाएगी छेद में, इस छेद में घुस जाएगी अंदर। अभी हम के द्वारा कैसा है कैरम बोर्ड खेला जा रहा है, अभी देखना। देखिए अभी मारेंगे, देखिए कैसे मार रहे हैं। ये देखिए थोड़ा सा बच गया ना तो फॉल्ड हो गया था। देखिए निशाना कैसे लगा रहे हैं, ऐसे निशान लगा रहे हैं ना एक ही बार में चला जाएगा। अरे वाह, देखिएगा निशाना कितना अच्छा लगेगा, सीधा एक ही बार में चला जाएगा। देखिए फाउल हो गया, कैरम खेल रहे हैं, देखिए कितनी अच्छी दृश्यों के साथ। वाह, एक ही बार में अंदर गया बॉल। और वाह, तुम तो फर्स्ट नंबर पे आए बॉल। निशाना बहुत अच्छा लगता है, यचाइयों के द्वारा कैरम बोर्ड खेला जा रहा है। आप सभी देख सकते हैं किस तरह निशाने के ऊपर निशाने लगाए जा रहे हैं। साथ देखिए रानी को जीतना चाहते हैं, परंतु रानी चटक के भाग चुकी है। इस समय रानी लाइन पर नहीं आती, देखिए कितना भयानक मार रहे हैं। देखिए यह खेल प्रतियोगिता जगतगुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय में चल रही है। दिव्यांग छात्रों के द्वारा JRDU में चेस खेलते हुए कभी राज सैनिक मारे जाते हैं तो कहीं घोड़े। अभी और राजा रानी बाकी हैं। इतना भयानक जोर के साथ खेल, ये वो खेल है जो महाभारत में शकुनी द्वारा खेला जाया जाता था। देखिए एक सैनिक मारा गया, एक गया गप, दूसरा भी नो। थोड़ा सा निशाना लगाने की आवश्यकता है, अभी गाड़ गई। ये देखो कैरम बोर्ड शुरू होने जा रहा है। 100% बच्चे, 100% के रानी को मार रहे हो। आओ एक गया, नो ओ हो, फाइनल ये अलग अलग गोटियाँ होंगी ना, क्यों एक गया, सिर्फ दो बची, सिर्फ एक मिनट बचा है, जल्दी कीजिए। टाइम समाप्त हो चुका है, खेल भी नहीं खत्म। देखिए विनर के नाम लिखे जा रहे हैं। JRF
सारी प्रतियोगिताओं का आरंभ होने जा रहा है। देखिए तैयारी, तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं। देखिए जिम्नास्टिक, यहाँ दिव्यांग बच्चों के द्वारा यह 40, 50, 80, 90, 100 किलो तक वज्र उठाया जा रहा है। देखिए हमारी अच्छाइयों के द्वारा 40 किलो के वजन के साथ, देखिए अभी ऊपर उठा के दिखा रहे हैं, देखिए 40 किलो, वाह। चालीस किलो का वजन बड़ी गंभीरता के साथ और बड़ी मेहनत के साथ देखिए किस प्रकार उठा दिया है। दो तीसरे राउंड पर फेल हो चुके हैं। वीर वर्मा की राजा, देखिए 40 किलो का वजन बड़ी साहस के साथ उठा लिया। देखिए 40 किलो का वजन एक ही राउंड में बेसमेंट। देखिए यचाइयों के द्वारा तीसरे नंबर पर 40 किलो का वजन बड़ी साहस के साथ देखिए उठा रहे हैं और उठा दिया एक ही बार में। एक ही बार में हो गया इनका खेल। देखिए जोकरों का जोकर महाजोकर अजय इतना हंसता है, इतना हंसता, देखिए इसकी ताकत को कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए एक ही बार में स्मैश, इसकी बॉडी देखिए तो धारा सिंह पहलवान से भी बढ़कर आगे। देखिए और 40 किलो का वजन उठाने जा रहा है। 20 किलो का वजन ऐसा लगता है मैंने छोटे से बच्चों 20 किलो का वजन कितनी साहस के साथ उठा लिया। दो राउंड लगाए, तीसरी बार उठाया गया और चौथी बार उठाया गया, बस चार बार। देखिए जगत राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय की छात्रा, देखिए 20 किलो का वजन के साथ उठा रही है। वो पकड़ा हुआ है, 30 किलो का वजन हो रहा है, अपने साहस के साथ उठा रहे हैं। अभी 30 किलो का वजन, अभी देखिए राउंड लग चुका है। कितना, पांच कह रहे हैं? पांच राउंड लगा लिया। देखिए JRDU के बच्चों के द्वारा आशीष कुमार 50 किलो का वजन उठाने जा रहे हैं। इनमें जो साहस जोश भरा हुआ, देखिए 50 किलो बड़ी साहस के साथ उठा लिया आसानी से। देखिए एक, दो, तीन, ट्रेंडिंग के सीखे हैं ये थोड़ी होता है, आप सही है। लास्ट फाइनल प्रतियोगिता हो रही है, 55 किलो का वजन उठाएंगे। तालियों से स्वागत किया, 55 किलो का। देखिए चंदन कुमार फाइनल खेल में 60 किलो का वजन आराम से उतार दिया है।